सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी खबरें लाए हैं। हर तरफ की 8 खबरें आपके पास, पर हाँ ध्यान रहे 14 और 15 जनवरी शिखर जी पे नजर रहेगी और 17 जनवरी माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली में रहेगी, जब झारखंड के मुख्य सचिव जी यहाँ के अपना पक्ष रखेंगे। पर हाँ शुरुआत करते हैं आज के झरोखा इन खबरों के साथ। आज शुरुआत करते हैं इस फोटो के साथ, गुरुवर आचार्य श्री के दर्शन कर लीजिए, वर्धा के हैं, बहुत खास बात दृश्य में कितने सुंदर मुस्कान लग रही है। और हाँ आज सुबह आचार्य श्री ने केश लोच किया और फिर उत्कृष्ट केश लोच करते हैं और फिर उस दिन उपवास रहता है। गुरुवर के साथ आज की पहली खबर यहीं से शुरुआत करते हैं आज। और अब यह दृश्य देखिएगा, स्वतः अभिषेक के मेघांव दिगंबर जैन मंदिर से, जहाँ तीन प्रतिमाएं हैं, पद्मासन प्रतिमाएं हैं तीनों, आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की और शांति भगवान की। जैसे ही ये पता चला कि इस पर स्वतः अभिषेक हो रहा है, कारण कोई कुछ भी कहता है पर यहाँ पर जब लगता है तो देखने वाले आश्चर्यचकित तो हो ही जाते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर लोगों का आने का तांता शुरू हो गया। चंदा प्रभु से शुरू हुआ, शांतिनाथ भगवान पे और फिर आदिनाथ भगवान पे। यह स्वतः अभिषेक देखकर लोग गदगद थे, हैरान थे, आखिर इस पाषाण में बात थी या फिर यह अद्भुत कोई देवों का अतिशय हो रहा था। और अब ले चलते हैं फिर मध्य प्रदेश के मोराजी नगर दिगंबर जैन मंदिर से। आपके पास देख रहे हैं आप आरिका श्री वीरज श्री माता जी, उम्र 95 वर्ष, चारों प्रकार के आहार त्याग के यम संलेखना धारण कर ली है, क्योंकि अब मुझे अंतिम लक्ष्य अंतिम मंजिल, अब मुझे समाधि ग्रहण करनी है। आचार्य श्री गणाचार्य श्री विराग सागर जी मुनिराज की शिष्या हैं और यही कहते हैं यम संलेखना जब कर्मों की तेजी से निर्जरा होती है तब कोई आकुलता व्याकुलता नहीं रहती है, ऐसे संबोधन बाकी सारी माता जी उनको दे रही थी। और कहते हैं विकल्प किंतु परंतु चुनांचू लेकिन बट सब खत्म हो जाता है और तभी देखने वाले जो ऐसे दृश्य देखते हैं कहते हैं वह भी अपने कर्मों की स्वतः निर्जरा करते हैं। सब माता जी संबोधन दे रही हैं 95 वर्षीय आरिका श्री वीर श्री माता जी को कि यम संलेखना में चारों पर आर के ताकियात अब उस मंजिल की ओर जाना है। कहते हैं इस तरह से संलेखना के बाद समाधि लेने पर बस चंद भव रह जाते हैं अंतिम जन्म मरण के इस तारतम्य को तोड़ने की। भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर गई है राहुल गांधी जी की अब पंजाब के अंदर। सबसे पहले दर्शन किए स्वर्ण मंदिर में उन्होंने और फिर दृश्य देख रहे हैं आप, जब यात्रा चल रही थी उनका पैदल आगे बढ़ना चला था कि तभी जैन मुनि उपेंद्र मुनि जी पहुँच गए उनके पास। उन्होंने हाथ बढ़ाया, हाथ जोड़ के और फिर आगे बढ़ दिए, चर्चा करी और उन्हें साफ कह दिया मैं जैनों का पूरा समर्थन करता हूँ, सम्मेद शिखर जी के लिए मेरी भावनाएं आपके ही साथ हैं। कहते हैं जो बात सही होती है उसको कहने में देरी क्यों, और उन्होंने इस तरह बढ़ते हुए उपेंद्र मुनि को साफ स्पष्ट शब्दों में यह संकेत दे दिया। और आप देखिए एक और सूचना, दुखद सूचना है, शिवपुरी क्षेत्र की बात करें, कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुद्वारा पुरानी शिवपुरी रोड पर है छत्री दिगंबर जैन मंदिर की बात कर रहे हैं। परसों रात की घटना है, लगभग रात को 2:30 बजे थे, सीसीटीवी कैमरे में सारी फुटेज में कैद हो गए हैं दो अज्ञात चोर और उन्हें 15 साल पहले जहाँ पंच लगे थे 2008 में वह दोनों प्रतिमाएँ तीर्थंकर शांतिनाथ जी की और तीर्थंकर आदिनाथ जी की अर्ध प्रतिमाएँ ले गए। संभवतः कहना यह है पुलिस का कि यहाँ पर वह उन्हें सोने की समझकर लेकर चले गए। आज हमारे हर मंदिर में, आज बहुत बड़ी संख्या में मंदिरों में चोरी की घटनाएं लगातार दिख रही हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा के अंदर बहुत बड़ी कमजोरी रह जाती है और उस लूप होल का फायदा यह चोर ले जाते हैं और बार बार इस तरह की घटनाएँ हमारे सामने आ जाती हैं। पुलिस बड़ी लंबी बड़ी संख्या में वहां पहुंच गई और पुलिस अधीक्षक ने इस बारे में संज्ञान लिया और वो क्या कहते हैं एक बार वह भी सुन लेते हैं। थाना दिया क्षेत्र में गुरुद्वारा के पास में ये मंदिर है, पुराना मंदिर है और इस मंदिर में अभी जो सूचना मिली थी सुबह तो सारे पुलिस अधिकारीगण और हमारी ऑफिसर टीम डॉग टीम सभी यहाँ पर आई है और हमारी सारी टीमें लगा के देख रहे हैं। अभी जो जानकारी मिली है उसमें जो नीचे का इसका पोर्शन है उसमें जो मूर्तियाँ रखी थी करीबन वो 9 इंच की मूर्तियाँ हैं, वो दो मूर्तियाँ गई हैं और कुछ वहाँ जो दान पेटी रखी वो टूटी मिली है, उसमें से कुछ पैसा गया है।
और उसमें भी हम लोग जो सीसीटीवी फुटेज में अंदर दिखे तो लोग दिख रहे हैं, तो हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए सारी टीमें लग रखी हैं। हमको उम्मीद है कि जल्दी हम इसको पता करेंगे और बढ़ाएंगे। दो दिन पहले चार्टेड अकाउंटेंट फाइनल के रिजल्ट घोषित हुए। पहला स्थान मिला दिल्ली के युवक को और सेकंड और लड़कियों में सबसे पहले आगे रही महिलाओं के अंदर तो वह रही जैन समाज की इंदौर की शिखा जैन। और बड़े ताक तरीके से अब देख रहे हैं भास्कर ने उसे प्रथम पृष्ठ पर किस तरीके से हवा। बहुत बहुत शुभकामनाएं शिखा जैन के लिए कि आपने जैन समाज के साथ महिलाओं का भी नाम रोशन कर दिया। सर्दियों की रात होती है, ऐसी रोशनियां बड़ी सुंदर लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। आपको दिखा रहे हैं ये राजस्थान की मार्बल नगरी से मदनगंज किशनगढ़ से, जहां पर 22 से 27 जनवरी आचार्य श्री वर्धमान सागर संघ के सानिध्य में पंच कल्याणक होना है मुनि सुव्रत दिगंबर जैन पंचायत मंदिर के अंदर। और अभी से वहां पर इस तरीके से जगमगा रहा है, रोशन कर दिया है कि हाँ शीघ्र यहां पर पंच कल्याणक भव्य रूप में होगा। बस उसी का संकेत यह रोशनी आपको देती जा रही है। फिर मिलेंगे नए एपिसोड आपके पास। सादर जय जिनेगी।